आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के यूनिट 4 को शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, भारत के तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, डिविजन देखेंगे, मैप्स को स्टडी करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो एक बार आप भारत के मैप को देख लीजिए। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, हिमालयन रेंज पूरा का पूरा कवर हो चुका है। ये इतना एरिया हम पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों, 12 लेक्चर्स है, देख लीजिएगा। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स को हम स्टडी कर चुके हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये इसके नीचे आ जाइए आप। फिर उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेटू, ये यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना, ये इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, ये हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं और आज हम इसको पढ़ेंगे, इन कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा आएगा। तो अब देख लीजिए फिर से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ये खत्म हो जाएंगे दोस्तों। अगला भी एक ही चैप्टर होगा और आइलैंड में भी हम एक ही चैप्टर को करेंगे। मतलब इस हफ्ते 3-4 दिन में पूरी इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सॉइल्स पे आएंगे, हम वेदर्स पे आएंगे, विंड्स पे आएंगे, वो सारी चीजें भी तो करनी है ना, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो जिस तरीके से हमने घाट्स को देखा था, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ठीक उसी तरह प्लेन्स भी हमारे, कोस्टल प्लेन्स भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। एक ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन्स है, दूसरे वेस्ट में जो कोस्टल प्लेन्स है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोस्तों, जो समुद्र तट के किनारे शहर बसे हुए हैं, जो मैदान है, उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है? ईस्टर्न घाट्स पैरेलली चलते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पूरा चैप्टर ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पे हो गया है, देख लीजिएगा। और ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। अब दोस्तों ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत, विकिपीडिया से मैंने मैप उठाया है। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो ये गुजरात से शुरू है, ठीक है ना, गुजरात से शुरू है। यहां पे आपको गिर भी मिलेगा, ये दमन दीव भी आपको मिलेगा, ये सब कोस्टल प्लेन्स है, सब तट के किनारे हैं। वैसे बता दूं दोस्तों, लड़ाई बहुत छिड़ी थी भैया गुजरात के लिए, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले उन्होंने कहां पे अटैक किया था, यही केरल पे ही, और फिर गुजरात भी अपने कब्जे में ले लिया था, फिर गोवा भी अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों? क्योंकि ये सब कहां पे हैं, कोस्ट है ना, ये सब ये तटीय है, तो यहां से व्यापार हो सकता है बहुत अच्छे से। तो जो भी ट्रेड होता था ना पहले, ये सब यहीं से ही होता था, तट से ही तो होगा ना, शिप्स कहां से जाएंगे, तट से जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तटीय मैदान। अभी भी भारत का जो मेजर पोर्शन है इकोनॉमी का, जो व्यापार होता है, वो तट से ही होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो गुजरात से शुरू होता है, फिर ये महाराष्ट्र, इसको पूरा कोंकण कहते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र और गोवा, बंबई भी कोस्ट के किनारे ही है, ठीक है ना, बॉम्बे भी, ये आप देख सकते हैं छोटा सा गोवा, इसको कोंकण कहते हैं, ये कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर आप कर्नाटक पे आ जाइए, ठीक है, उसके बाद फिर केरल पे आ जाइए, ठीक है? तो केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो केरल को मालाबार कोस्ट कहते हैं, तो ये कोंकण और ये मालाबार। अब आप ईस्टर्न कोस्ट को देख लीजिए, ये वेस्ट बंगाल से शुरू है दोस्तों, उसके बाद ये उड़ीसा, ठीक है, फिर ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये तमिलनाडु, जिसको कोरमंडल कोस्ट भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पे आपको जो पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जो बंदरगाह मिलेंगे, यहां ज्यादा नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो विशाखापट्टनम को छोड़ दें तो यहां पे कोई बहुत बड़े बड़े बंदरगाह नहीं मिलते हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, यहां पे आपको ढेर सारे बंदरगाह मिलेंगे, मैक्सिमम गोवा पे, मुंबई पे, बहुत सारे बंदरगाह। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, वो भी बता दूंगा, ठीक है? और हम इनको डिवाइड भी करते हैं, उड़ीसा को उत्कल प्लेन कहते हैं, फिर आंध्रा प्लेन कहते हैं, फिर तमिल प्लेन भी कहते हैं, ये हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद ये आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख रहे हैं और ये आप लक्षद्वीप आइलैंड देख रहे हैं, ये भी कोस्ट से लगे हुए हैं, ये पूरी कोस्टल लाइन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा बिजनेस यहीं से होता है। फिर से आप देख लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आप देखिए, ये क्या लिखा है, नॉर्दर्न सरकार दोस्तों, महानदी और कृष्णा के बीच, महानदी कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो पूरा रीजन है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके नीचे तक कहां
कावेरी तक जो पूरा रीजन फैला हुआ है इसको कहते हैं कार्नेटिक रीजन, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कोरमंडल कोस्ट हो गया, तमिलनाडु का पूरा कोस्ट हो गया, और ये आप देख सकते हैं मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है, और ये कोंकण कोस्ट हो गया, गोवा मुंबई, मालाबार कोस्ट, केरल वाला कोस्ट, ठीक है, केरल कर्नाटक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इसको आपको याद करना है। आपको लेंथ याद नहीं करनी है कि कितनी लेंथ है, आपको याद करना है कि ये ऑर्डर याद करना है, क्योंकि कभी कभी एसेंडिंग टू डिसेंडिंग आ जाता है। लेंथ मत याद करिए, लेंथ की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किस्मत खराब होगी, खैर वो सभी की होगी, कि लेंथ पूछ ली जाए। तो सबसे बड़ा अगर हमारा तटीय मैदान है तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार, लेकिन अंडमान निकोबार तो यूनियन टेरिटरी है, 1962 किलोमीटर है ये जो लेंथ है, किलोमीटर्स में दी गई है। अगर स्टेट्स की बात करें तो गुजरात से ये शुरू है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की। और भैया इसी के हिसाब से भारत में चार वाटरवेज भी हैं, तो गुजरात की जो पूरी कोस्ट लाइन है वो है 1215, फिर है आंध्र प्रदेश 974, फिर तमिलनाडु 907, फिर महाराष्ट्र 653, केरल 570, उड़ीसा 476, फिर कर्नाटक 280, गोवा दमन दीव 160, वेस्ट बंगाल 157, लक्षद्वीप 132, पुडुचेरी 31। तो पूरा टोटल जो होता है वो 75-16 पॉइंट्स है दोस्तों, ये पॉइंट्स में है, ठीक है, ये मैंने राउंड ऑफ करके ये सारे फिगर्स लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ करके नहीं लिखे और सबको ऐड कर दे तो 75-16.6 किलोमीटर भारत की कोस्ट लाइन है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छे से मैंने भैया सब कुछ संजो के रख दिया है, देख लीजिएगा, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे आ जाते हैं दोस्तों। तो अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल हैं और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, आप मैप देख लीजिए फिर से, ये देख लीजिए, ये ईस्टर्न घाट्स है पूरा, ये बे ऑफ बंगाल है और उसके बीच में आपका कोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप याद रखिए तो सब चीज आसान हो जाएगी, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप तो आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। वेस्ट बंगाल से पूरा होते हुए ये उसके बाद फिर आंध्र और उड़ीसा को कवर करता है। चिल्का लेक आपको उड़ीसा में मिलेगी, चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी लेक है जो कि उड़ीसा में है, समझ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको डेल्टास भी बहुत सारे मिलेंगे। अब डेल्टास क्यों मिलेंगे दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, पूरा डेल्टा पे मैंने एक लेक्चर लिया है, सुंदरबन डेल्टा प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी में जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें सुंदरबन डेल्टा खोल लीजिए, मैंने पूरा डेल्टा समझाया है। डेल्टा क्या होता है कि जब समुद्र में नदी गिरने वाली होती है, गिरने से पहले वो बट जाती है, बहुत सारे धाराओं में बट जाती है, जिसकी वजह से एक लैंडफॉर्म बनाती है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, चट्टान लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, तो जैसे ही समुद्र में गिरने वाली होती है वो एक तरीके से बहुत सारी धाराओं में बट जाती है और डिपॉजिट्स को यहाँ पे, मतलब जो भी लेके आते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, तो इसकी वजह से एक लैंडफॉर्म बन जाता है जिसको डेल्टा कहते हैं। और इसी की वजह से जो ईस्टर्न घाट से हमारे, या जो कोस्ट है ये वाला ईस्ट कोस्ट, वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की, तो सबसे पहले इसमें आता है उड़ीसा, उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन को हम उड़ीसा कहते हैं दोस्तों। महानदी डेल्टा बनता है, महानदी उत्कल उड़ीसा से बहती है, याद रखिएगा, बहुत हमेशा से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो भी उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन लाओ यहां पे अपनी सारी फोर्सेस उन्होंने लगा दी थी ताकि ये जीता जा सके। उसके बाद पुलकेशिन टू की बात करें या जितने भी राजा आए हैं, ये उड़ीसा प्लेन, ये उत्कल प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि बहुत फर्टाइल रीजन है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है, महानदी बहती है, डेल्टास बनते हैं, और जहां पे डेल्टा बनेंगे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे आपको खेती काफी अच्छी होती है, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए बहुत ही सूटेबल रीजन है ये। तो इसलिए दोस्तों 16,000 स्क्वायर मील, मतलब 41,400 स्क्वायर किलोमीटर तक ये पूरा उड़ीसा प्लेन जो है ये एक्सटेंडेड है। लोअर गंगा नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में आपको गंगा नदी मिलेगी, ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु प्लेन, और वेस्ट में ईस्टर्न घाट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आंध्रा प्लेन की बात करें तो ये पूरे आंध्र प्रदेश को कवर करती है, मैं आपको मैप दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक
ठीक है, ये उड़ीसा, ये आंध्रा, ये तमिलनाडु, ये पूरा ईस्टर्न प्लेन, सॉरी वेस्ट बंगाल, ये क्या है, ये पूरा आपका ईस्टर्न प्लेन्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो देख लिया मैप, चलिए फिर से चलते हैं। तो आंध्र प्लेन की बात करें दोस्तों, तो ये पूरा आंध्र प्रदेश को कवर करती है। यहाँ पे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भैया। ईस्टर्न कोस्ट विशाखापट्टनम, भारत के नेवी के तीन कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और सदर्न कोस्ट। चलिए ईस्टर्न कोस्ट तो विशाखापट्टनम है, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। यहीं पे श्री हरिकोटा आइलैंड है, वही श्री हरिकोटा आइलैंड जहां से सारी सैटेलाइट्स इसरो की लॉन्च की जाती हैं, सार टेस्टिंग सेंटर है श्री हरिकोटा आइलैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे डेल्टास आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेल्टास बनते हैं इसलिए वहां पे हार्बर ज्यादा आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, मुश्किल होती है जहां पे डेल्टास बनते हैं, वहां उस पूरे एरिया को मैनेज करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम तमिलनाडु प्लेन्स की बात करें दोस्तों, 675 किलोमीटर का ये पूरा प्लेन है, पुलिकत लेक से कन्याकुमारी तक तमिलनाडु ये पूरा स्ट्रेच करता है, बहुत चौड़ा है ये, 100 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है ना, और यहां पे आपको कावेरी डेल्टा मिलेगा, बहुत फर्टाइल है ये दोस्तों, जहां पे भी डेल्टा होगा वो बहुत फर्टाइल होगा। हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जब बात करेंगे तब हम एक एक चीज को देखेंगे, एक एक स्टेट्स को देखेंगे, उसकी इकोनॉमी देखेंगे कि कहां पे क्या मिलता है, ठीक है। फिलहाल ये फिजिकल ज्योग्राफी है। कोरोमंडल कोस्ट को तमिलनाडु बोलते हैं, मालाबार कोस्ट केरल, और कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा, एज इट इज याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में भी मैंने आपको बताया था, ऐसे भी आप याद रख लीजिए। यहाँ पे पीपीटी में, पावर पॉइंट में मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कच्छ और गुजरात, ठीक है, गुजरात से लेकर पूरा केरल तक ये पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो कच्छ की बात कर लेते हैं, सॉल्ट सोक्ड प्लेन है, अरेबियन सी के पास है, जब भी वहां पे वेव्स आती हैं, ज्वार भाटा आता है, तो पूरा एरिया डूब जाता है, दलदली इलाका है। मैंने बताया था ना, लूनी नदी जो है वो यहीं पे ही खो जाती है, जो राजस्थान से निकलती है, लूनी नदी यहाँ पे खो जाती है, वो अरेबियन सी में नहीं गिरती है। यहाँ पे गिर फॉरेस्ट है, गिर रेंज है, माउंट गिरनार हाईएस्ट पीक है, मांडव की पहाड़ियां हैं। अब हम गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात ईस्ट ऑफ कच्छ, आप चाहिए कच्छ से ईस्टर्न पार्ट में आपको पूरा गुजरात मिलेगा, ठीक है ना, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दोस्तों आपको नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियां भी मिलेगी, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जो ये पूरा का पूरा कोंकण प्लेन है, ये गुजरात के साउथ ही, गुजरात के आप साउथ चले जाइए तो आपको कोंकण प्लेन मिलेगा, मतलब गुजरात के साउथ जब आप जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाएगा, गोवा मुंबई स्टार्ट हो जाएगा। कर्नाटक और केरल प्लेन्स की बात करें दोस्तों, तो अगेन काफी चौड़ा है, 30 से 50 किलोमीटर की विड्थ है कर्नाटक प्लेन्स की, और यहाँ पे दोस्तों ये स्लोप बहुत, मतलब बहुत ही तीव्र ढाले हैं, यहाँ पे तीव्र ढाले होने की वजह से यहाँ पे जो नदियां हैं आपको ढेर सारे झरने देखने को मिलेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा झरना कौन सा है भैया, जॉग फॉल्स, ठीक है ना, 271 मीटर हाई, शारावती नदी के ऊपर जो बना है जॉग फॉल्स, ठीक है। उसके आप साउथ में चले जाइए तो फिर आपको मालाबार प्लेन मिलेगा, केरल प्लेन, ठीक है ना, केरल में आपको प्लेन मिलेगा। उसके बाद ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक पूरा स्ट्रेच है, और ये काफी ज्यादा वाइडर है कर्नाटका प्लेन से। यहां पे आपको लगून्स, लेक्स, बैक वाटर्स, भैया केरल के बैक वाटर्स तो फेमस है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खूबसूरत दोस्तों, कोची चले जाइए और एकदम मजे उठाइए, वेनिस है ना, केरल को तो वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये खूबसूरत बैक वाटर्स का जो नजारा है, और जो कोकोनट ट्रीज, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं नारियल के, बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, गजब का नजारा, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। जी हाँ, इसीलिए उसको वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है केरल को, ठीक है। और यहां पे आपको वेम्बानंद लेक, जो कि एक लगून ही है, लगून क्या होती है आपको बताना है, मैं बताऊंगा, मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, वेम्बानंद लेक आपको यहीं पे ही मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कुछ पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, मैंने पोर्ट्स के बारे में नहीं बात की दोस्तों, तो बताना चाहता हूं। वैसे तो वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो चार नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, आपको याद रखना है, चार नेशनल वाटरवेज है। सबसे पहले
लिख लीजिए, चाहिए तो नेशनल वाटरवे वन लिख ही लीजिए, लिख लीजिए नहीं लिख ही लीजिए, जो कि अलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे वन अलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1629 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है, सबसे बड़ा है नेशनल वाटरवे वन। उसके बाद दोस्तों नेशनल वाटरवे टू, अगर नेशनल वाटरवे टू की बात करें तो ये सदिया से धुबरिया तक जाता है और इसकी 819 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है ना। सदिया से धुबरिया तक 819 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र रिवर को पूरा ये नेशनल वाटरवे टू जो है वो कवर करता है। उसके बाद नेशनल वाटरवे थ्री, नेशनल वाटरवे थ्री दोस्तों कोल्लम से कोटपुरम, तो ये पूरा साउथ को कवर करता है। सबसे स्मॉलेस्ट वाटरवे है ये, खाली 186 किलोमीटर का। और अंत में दूसरा सबसे बड़ा जो वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे फोर, जो कि काकीनाडा टू मराकनम को पूरा कवर करता है, गोदावरी और कृष्णा नदी को पूरा कवर करता है, जिसकी लेंथ है 1110 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है, अलाहाबाद टू हल्दिया, यूपी से पूरा बंगाल। उसके बाद नेशनल वाटरवे फोर, फिर नेशनल वाटरवे टू, और लास्ट में नेशनल वाटरवे थ्री। ये चीज आपको समझ में आ गई है, वन फोर टू थ्री ऐसे याद रखिए। उसके बाद कुछ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। 12 मेजर पोर्ट्स हैं टोटल, भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जहां से व्यापार होता है। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें कि वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो दोस्तों लिख लीजिए, आई एम रियली सॉरी मैं उसको लिखना भूल गया। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो यहां पे है आपका कांडला, ठीक है, जिसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी बोला जाता है, ठीक है, ये गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट मुंबई, ठीक है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है मुंबई, ठीक है ना, और सबसे बिगेस्ट भी है, बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। यहां से तो एक तरीके से लाइफलाइन है ना भारत की, मुंबई भारत की लाइफलाइन है, क्योंकि यहां से सारा बिजनेस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है जो कि अगेन महाराष्ट्र में है। फिर चौथे पोर्ट की बात करें गोवा में, अब हम गोवा में आ जाते हैं, मार्मूगांव, ठीक है, आई एम रियली सॉरी ये थोड़ा सा, मार्मूगांव पोस्ट, ठीक है, MARMUGAO, मार्मूगांव, गांव नहीं है वैसे, ये गोवा में है ये, ठीक है ना, जो कि नेवल बेस भी है। उसके बाद हम पांचवें कोस्ट की बात करें तो मैंगलोर, मैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है मैंगलोर, एक अगेन इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और फिर सबसे सुंदर कोचीन, जो कि एक नेचुरल हार्बर है, याद रखिएगा दोस्तों ये एक नेचुरल हार्बर है, और कांडला एक टाइडल पोर्ट भी है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइड्स आते रहते हैं। तो समझ गए ये 6 पोर्ट वेस्ट के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा में है सबसे पहले पारादीप, ये उड़ीसा में, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहीं से ही, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज है उसके पास है, तो जापान इंडोनेशिया में जो व्यापार होता है वो ईस्टर्न कोस्ट से ही जाता है, याद रखिएगा। हम यहां पे रॉ आयरन जो है वो जापान को एक्सपोर्ट करते हैं पारादीप से ही, जो कि उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। दूसरा अभी मैंने आपको बताया था विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पोर्ट है, और डीपेस्ट पोर्ट है, ये डीपेस्ट पोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा भारत का सबसे पुराना पोर्ट चेन्नई, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये बनाया है, ठीक है, इसको बनाया गया है, ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि तमिलनाडु में है। चौथा एन्नोर, याद रखिएगा दोस्तों, जो जो बता रहा हूं वो लिखते जाइए, क्योंकि मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, ठीक है। तो ये प्राइवेट एन्नोर जो है वो भी तमिलनाडु में है, और ये प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, ये सरकारी पोर्ट नहीं है। और उसके बाद पांचवा टूटीकॉर्न, जो कि अगेन तमिलनाडु में है, और छठा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।